अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ खैरियत होंगे। आज एक और सुबह और एक और ब्लॉग के साथ हाजिर है भाई। और आज जो ब्लॉग है बेसिकली वो आज स्कर्दू का आखिरी दिन है। यहाँ से हम निकल रहे हैं, स्कर्दू का आखिरी दिन था हमारा। और यहाँ से जो सफ़र हमारा स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है स्कर्दू से हुंजा का। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है, कौन कौन से स्पॉट्स जुएब भाई हमें कवर करवाते हैं और कहाँ कहाँ मैं अपने ब्लॉग को और अपने शौकीनों को, अपने जो व्यूअर्स हैं उनको मैं दिखा सकता हूँ कि कौन कौन सी जगहें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। और अभी चलते हैं, सफ़र स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी सबसे पहले तो नाश्ता करेंगे सब, और नाश्ते के बाद जो है फिर आगे का सफ़र तय करेंगे और वीडियो को सीधा कंटिन्यू करते रहेंगे। आज जो सफ़र है बेसिकली इसका टाइटल क्या है, स्कर्दू टू हुंजा, ठीक है। तो इस तरह ही चलते रहेंगे ताकि जो जो सफ़र तय किए उसी तरह ब्लॉग में भी आते रहेंगे ना इंशाल्लाह। तो बस वहाँ से शुरू करते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे देखने वाली, कितनी खूबसूरती है, कितनी ग्रीनरी है। बहुत ज़बरदस्त है यार, यहाँ पे बहुत इन्जॉयमेंट है, बहुत मज़ा आता है, यकीन करें आप। चलें फिर कंटिन्यू करेंगे। ये देखें हो गई, ये देखें रेडी हो रहे हैं, मोजे वोजे पहन रहे हैं, बच्चे बच्चे ये सब रेडी हैं, सब रेडी हो गए हैं। ये रहे आखिरी दफ़ा रूम दिखा दूँ आप लोगों में, आमिर भाई ये रहे, बस अलविदा कहते हैं इस रूम को, फिर चलते हैं। तो गाइस अभी जो है कोटा दरबार होटल कैफे पे रुके हैं हम लोग नाश्ता करने के लिए। ये कैफे रेसर है, क्या हाल है भाई आप लोगों के? ये नाश्ता करने के लिए रुके हैं यहाँ पे भाई, आप बैठ रहे नाश्ता कर रहे हैं, क्या खाया तुम लोगों ने आज? मैं रोज बोलता हूँ फिर दिखाऊंगा, मैं कुछ दिखाते नहीं, आज फिर प्लेट खाली है। ओ अंडा पराठा है भाई, ये पूरा मैप लगाया है इन लोगों ने, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन मैप बल्तिस्तान का। बस ये के खाते ही बातें फिर निकलते हैं। मैं असल में गया हुआ था, बेटी का दूध लेने जाना था मुझे, तो वो दूध यहाँ पे मिल नहीं पाया यार, थोड़ा सा मसले मसाइल हो गए थे, दूध ख़त्म हो गया मेरी बेटी का तो मिल नहीं रहा यहाँ। तो अभी आते आते आहिस्ता आहिस्ता सफ़र दिखाते जाएंगे भाई, मज़ा आता रहेगा। इस दफ़ा गाड़ी से भी व्लॉगिंग करेंगे सोच रहा हूँ, जो चीज़ें मिलेंगी ना गाड़ी से दिखाते जाएंगे। ये एयरपोर्ट से होते हुए जा रहे हैं भाई हम, इस कड़ा एयरपोर्ट है, बहुत रश लगा हुआ है यहाँ पे, फ्लाइट वगैरह उतरी है मेरे ख्याल से सालों में एक दफ़ा उतरती है। एयरपोर्ट से निकल रहे हैं अभी यहाँ के, और हम लोग अभी एग्जिट कर रहे हैं स्कर्दू से। और हम कहाँ जा रहे हैं जुएब भाई? हुंजा की तरफ रवानगी है हमारी भाई। दिखाइए आगे, दिखाइए थोड़ा सफर भी दिखाते हुए चले साथ में, और स्पॉट्स पे जहाँ जहाँ रुकेंगे वहाँ पर भी दिखाएंगे इन शाला तला सारी चीज़ें। यहाँ से अभी जा रहे हैं, आगे दिखाइए आप, मुझे तो देखते रहते हैं लोग आगे जा रहे। देखें पहाड़ी पहाड़ है, ग्रीनरी है, रोड देख सकते हैं आप बेहतरीन, और बस यही चीज़ें हैं यहाँ पर देखने लायक। मगर ये जो देखने लायक जो चीज़ है ना वो सिर्फ देखने लायक नहीं है, कुदरत है ये, आपको कुदरत का पता चलता है कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ें बनाई है और हर चीज़ में नेमत रखी है, तो वो ऐसी नहीं है, हर चीज़ के फायदे ग्रीन बेस है ना। ये क्या आरिफ भाई? अच्छा ये बेस है, बेस की तरफ जरा घुमाओ, बेस दिखाओ जरा, ये बेस है, आर्मी बेस है, दिखाओ दिखाओ आप, क्या हो गया आर्मी बेस? एयर बेस इधर आएगा, आप डर रहे हो बेटा। ये जो है ये एयर बेस है, ये पहाड़ देख सकते हैं आप, और मतलब यहाँ आने के बाद आपको एक नेचर का पता चलता है कि कितना खूबसूरत नेचर है। ये देखें ये गिलगित वगैरह लिखा हुआ आ रहा था भाई यहाँ पे, ये जा रहे हैं आगे जाके कंटिन्यू करते जाते हैं बस। बेस है, अब हम लोग नीचे की तरफ उतर रहे हैं और अभी हुंजा की तरफ हमारी रवानगी है, तो आगे जाके और चीज़ें आपको इंशाल्लाह दिखाते चलेंगे। ये भाई झील जो है सतपना झील है, सही है, वहाँ से गुजर रहे हैं अभी हम, बाहर निकल चुके हैं हम लोग। ये झील आएगा, अब व्यू आएगा, ये पूरी झील नहीं है।
ये झील है, पूरी झील है। हाँ साथी भाई, क्या हाल है, कैसे हो? पूरे गंदा किया हुआ। हाँ ये पूरा पूरा झील है, हम इसका दूसरी बाहर निकल रहे हैं। गड्ढू से बाहर निकल रहे भाई, बाहर निकल रहे इस गड्ढू से। ये था मजा। अरे भाई बीच में झील, हरियाली और सारी चीजें यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे होटल्स वगैरह, रिजॉर्ट वगैरह बने हुए हैं पूरा। देख सकते हैं आप यहाँ के, ये देखें यहाँ पे बनाया था मैंने, कल भी बनाया था। यहाँ से बाहर निकल रहे, यही आए थे हम लोग। कचूरा भी, कचूरा लोअर ऊपर कचूरा यहीं पे आए थे हम लोग अभी। अब वहाँ से बाहर निकलते हुए जा रहे हैं हम लोग, यहाँ से बाहर निकलते हुए जा रहे हैं। ये व्यू चेक करें आप झील का, यहाँ से एग्जिट हो रहा है, एग्जिट कर रहे हैं बस। अब यहाँ से एग्जिट हो रहा है, ये देखें जबरदस्त व्यू भाई, जबरदस्त माशाल्लाह। सारी चीजें ले रहा हूँ ना, ये पहाड़ी सिलसिले हैं साथ में ये झील है, झील ये इतना प्रेशर है पानी का यहाँ पे कि अगर बंदा कोई गिर जाए तो वो कराची ही निकलेगा फिर। ये देखिए भाई, हाथ दिलाई आलियान भाई, किधर आ रहा है भाई? ये देखें बॉयज, ये ब्रिज आ गया, अब यहाँ से गुजरेंगे। ये ब्रिज से जा रहे हैं भाई, अब ये ब्रिज आप लोगों को देखेगा। ओहो पूरा ब्रिज है, ब्रिज एंड हो गया। अब ये पहाड़ी पहाड़ है, आगे आगे कोई व्यू दिखता है फिर दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। स्टार्ट हो गया 130 किलोमीटर से, ये पूरा रूट है।
हम गिलगित होते जा रहे हैं। मेन सिटी है गिलगित का, आप देख सकते हैं। गिलगित में दाखिल हो चुके हैं। वो पहले मुबीन की आवाज थी भाई, थोड़े मसले मसायल हो गए थे। ये पूरा गिलगित का इलाका है, ये रहा विक्की जी ला बाबा जी। अभी दवा ले लेते हैं बेटा। क्या बोल रही है? पेट में दर्द हो रहा है, नमूने फिर हो रहा है। पूरे गिलगित के इलाके से गुजरते हुए हम जाएंगे अभी। कहाँ पर हम लोग जाएंगे? कहाँ पर? उंजा पे आ चुके हैं। देखे फौजी बने हुए चौक में। अरे भाई गाड़ी से उतर नहीं सकते, इसलिए जो भी दिखाना है गाड़ी में ही दिखाना है। ये थोड़ा सा शहर टाइप पे आ गए हम लोग। ट्रैफिक भी है यहाँ पे काफी। वही बताएगा बेटा, मैं यहाँ का रिहायशी नहीं हूँ। ये सारे जो है ये देख सकते हैं, उनका का इलाका है भाई। ये इंटर हो गए, कंटिन्यू करते जाएंगे, दिखाते जाएंगे क्या क्या रास्ता, क्या क्या कवर किया है। रास्ता ही 6 घंटे का है सिर्फ। एक स्पॉट दिखा था हमें भाई, उस स्पॉट पे रुके हैं हम लोग। और स्पॉट में ये देख सकते हैं, ये सीन है कि एक पुलिया टाइप की चीज़ आर्टिफिशियल इन लोगों ने बनाई हुई है। हाँ तो मैं बता रहा था कि आप लोगों की आर्टिफिशियल टाइप की एक झील टाइप की बनाया हुआ है इन लोगों ने। सही है। हेलो गाइस, क्या हेलो गाइस। अच्छा इसको झूला वूला झुला दो जरा, इसकी तबीयत डाउन है अभी। ये थोड़ा सा ये देखें, यहाँ का व्यू है। एक रिजॉर्ट टाइप की चीज़ बनाई भी है इन्होंने, और एक पुलिया टाइप की चीज़ है ये। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे इन्होंने एनवायरनमेंट भी रखा हुआ है। थोड़ा सा फैमिली टच एनवायरनमेंट है। यहाँ पे झूले वगैरह, ये स्पॉट एक हमने ऐसी छोटा सा रोक लिया है बैठने के लिए, कि थोड़ा सा आराम कर लें, क्योंकि कंटिन्यू गाड़ी चल रही थी कंटिन्यू। और मैं ज़्यादातर कवरेज जो दे रहा था आप लोगों को दिखा रहा था, व्यूज़ जितने भी दिखाए मैंने गाड़ी से ही दिखाए। ये देखें, मतलब यहाँ पे हरियाली इतनी है तो जाहिर सी बात है यहाँ के मौसम पे भी इफ़ेक्ट आता है, फिर ठंडा मौसम होता है। द फूड कॉरिडोर लिखा हुआ है भाई, ये जगह एक स्पॉट है उनका, है ना। अभी इंटर हो चुके हैं हम, ये आप देख सकते हैं उंजा गार्डन। ये उंजा का भी गार्डन वार्डन है भाई, ये पहाड़ इलाका है। ये बच्चे जो है सारे बैठे हुए हैं यहाँ पे, एंजॉय कर रहे हैं। बहुत देर बाद एक स्पॉट मिल पाया और रुके हैं हम लोग थोड़ा, हम लोग थोड़ा आराम करते हैं। अभी आगे जाएंगे फिर से, तो फिर कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। अभी आमिर भाई हमें बताएंगे हम लोग कौन से स्पॉट पे आए हैं। अभी बताइए हम लोग कौन से स्पॉट पे रुके। अभी राका पोशी पे रुके हैं ना हम लोग। ये लिखा है डिटेल, ये डिटेल है पूरी राका पोशी की, सही है। और ये देखें राका पोशी जिप लाइन, और एक नहर है, ये पानी जो है आबशार का बहुत तेजी सा। वो देखें, ये सबसे अच्छा व्यू है पहाड़ का। ये देखें बहुत ज़बरदस्त व्यू है, बहुत ज़बरदस्त। बहुत ज़बरदस्त व्यू है, ये देखें मैं चारों तरफ, बहुत बेहतरीन व्यू है।
बहुत बेहतरीन व्यू है। ये देखिए जबरदस्त। चल अब देखते हैं अभी कहाँ स्टॉप करेंगे, उसके बाद आगे जाके देखते हैं क्या सीन है भाई। ये लोग सब बैठ गए हैं, सब आराम कर रहे हैं अभी बैठे हुए। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा मौसम है। और सबसे जो अच्छी चीज़ है ना वो ये है, ओए ओए भाई पैसे पूरे हो जाने हैं आपके अगर आप इधर आ गए ना। हुंजा मौसम भी बहुत ज़बरदस्त, और यहाँ पे जो स्पेशल है वो याक है, मारकोर लैंड भी दिखा दो। ये जो एक सिलसिला पहाड़ों का चलता हुआ आ रहा है, ये जो पहाड़ ब्राउन नज़र आ रहा है, ये पहाड़ जो है वहाँ हमने देखा था, हम जब गाड़ी में आ रहे थे तो हमने देखा था वहाँ पे लैंड ऑफ मारकोर लिखा हुआ था। तो मारकोर के ये एक लैंड है पूरा सिलसिला, तो अभी तो हमें कुछ नज़र नहीं आया लेकिन ये है। इतना शोर है पानी का कि मेरी आवाज़ भी दब रही है यहाँ पे। बहुत प्रेशर है पानी का, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत प्रेशर है पानी का भाई। ये बहुत ऊपर से आ रहा है, बहुत ऊपर से आ रहा है पानी, ये आ रहा है, बहुत प्रेशर है भाई, बहुत प्रेशर है पानी का। अच्छा तो गाइज ये देखें, ये एक अंकल ने मुझे पत्थर दिखाया, इसका क्या नाम है अंकल? माइका। इसको अबरक उर्दू में, इंग्लिश में माइका। और ये पहाड़ से ये पीछे पुर राइट भी लगा हुआ, इसको कहते हैं पुर राइट। अच्छा समझ गया, ये होता नेचर है इसका। अच्छा और ये वाला जो है, ये सारे पहाड़ से निकले हुए? ये जो हमने देखे थे वो सुराग हुए हुए थे पहाड़ों में, वो जो कटिंग कर रहे होते हैं अंदर, वो लेकर आते हैं हाँ इस करदू रोड पे। हाँ ये माइनर है। तो वो एक चीज पूछनी थी, बुरा नहीं मानो तो, वो ऊपर कैसे जाते हो आप लोग फिर? हम तो यही तो बोल रहा हूँ कि यहाँ से लेकर ये इतनी ऊपर। अच्छा मतलब चल के ही जाते हैं आप लोग? 18,000 पे जाते हैं। और फिर वहीं बैठ के सारी चीजें कि स्टे होता है, दिन रुकते हो आप वहाँ पे, वापस नहीं जाते हो? महीना महीना दो महीना ना काम होता है, फिर ये सारी चीजें निकल के बाहर आती हैं। ये भी पता है। चलो थैंक यू। ये कितने का है वैसे, अगर पैसे पूछो तो कितने का होगा? ये आपको 3,000 रुपए का देंगे। अच्छा ये 3,000 रुपए कर, वो ये वाला 500। अच्छा और ये जो आप, ये हाँ ये 4 का देगा। अच्छा इसमें एक बात है ना, अगर इसमें एक पोराइट एपेटाइट एकमरीन हो ना, इतना एकमरीन लगा हो फिर ये जाएगा 1,00,000, 1,50,000, 2,50,000 इसमें वो नहीं है ना असल बात। अच्छा रूबी है, एमराल्ड है, सफायर है, देख लो ये सारे पत्थर हैं। जबरदस्त भाई, बड़ा खेल है भाई, ये तो बड़ा गेम है ये, मेहनत के मैं मेहनत है ना बहुत इसके पीछे यार। 500 फुट अंदर जाते हैं, 500-600 वो अंदर जाने गए तो ऑक्सीजन वगैरह लेके जाते हो आप साथ? ओए होए चले अंकल, जजाक अल्लाह भाई आपका टाइम लिया, शुक्रिया, जजाक अल्लाह। हाँ भाई हुंजा की वादियों में आ गए, मेरे पीछे रागापुशी का पहाड़ है और ये पीछे देख सकते हैं आप आई लव हुंजा लिखा हुआ है। तो अपने सफ़र का आगाज़ यहीं से करेंगे, वहाँ तो मैंने इंट्रो दिया था, इसको बीच में कहीं एडजस्ट करेंगे क्योंकि वहाँ से सफ़र स्टार्ट किया था और यहाँ से हम हुंजा का सफ़र स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा भाई। चलो भाई चलो, फोटोग्राफर भाई, फोटोग्राफर भाई रोड पे नहीं जाइए भैया, गाड़ियाँ आ रही हैं, चलिए आई करिए हमारे व्यूवर्स को, टाइम हो गया। लॉज में पहुँच चुके हैं, सिग्नेचर हुंजा नाम है इसका।
ये लॉज आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ से प्रॉपर व्यू दिखाऊं इसका मैं, ये देखिए ये लॉज है पूरा। मैं अंदर जाके भी दिखाता हूँ आपको, अंदर जाके भी दिखाता हूँ आपको कहाँ पे जाएगी। ये देखें इस तरह का लॉज है, ये देखें। बाकी ऊपर है, ऊपर भी इसी तरह के कमरे बने हुए हैं, किचन वगैरह। क्या डिजाइन का आपको कौन सा कमरा है? ये किचन वगैरह भी है, चार पांच रूम है, सिंगल बेडरूम। यहाँ पे दो रूम ये वाले हैं भाई, एक ये रूम है पहला, एक ये रूम है पहला, और दूसरा रूम भी दिखाता हूँ आपको मैं, दूसरा ये रूम है। चलिए जी, ये दूसरा रूम था, और ये मतलब के फाइनली अब व्लॉग को एंड करते हैं यहाँ पे। हुंजा पहुँच चुके हैं, अब कल हुंजा का नया सफ़र स्टार्ट होगा, तो इंशाल्लाह ताला व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। जब तक अल्लाह हाफिज़।